एसी कौन वाइट कौन सिरप यूज कर रहे हैं और हमारा वेट बढ़ रहा है, क्या है सच्चाई, आज की वीडियो में जानेंगे। तो बहुत सारे बियोर का कमेंट आया था कि सर हम एसी कौन और वाइट कौन सिरप यूज कर रहे हैं और इसके यूज करने से हमारा मोटापा बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि एसी कौन सिरप और वाइट कौन सिरप का क्या यूज होता है। एसी कौन और वाइट कौन सिरप के अगर यूज की बात की जाए तो इसका यूज महिलाओं में PCOD, PID या POS का होना, बच्चेदानी में इन्फेक्शन होना, यूट्रस का अच्छी तरीके से काम नहीं करना या UTI इन्फेक्शन होना और महिलाओं में प्रेगनेंसी का नहीं ठहरना। आज के प्रेजेंट टाइम में 99% महिलाओं को मिसकैरेज की प्रॉब्लम आ रही है। मिसकैरेज की प्रॉब्लम की अगर बात की जाए तो इसके कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमारा रोज का लाइफ स्टाइल या यूट्रस का अच्छी तरीके से काम नहीं करना, बच्चेदानी में इन्फेक्शन होना और हार्मोन्स प्रॉब्लम की वजह से भी हो जाता है। अब बात करते हैं मुख्य टॉपिक पे कि एसी कौन वाइट कौन सिरप से वेट बढ़ता है। तो हमारे व्यूअर ने कमेंट किया था, कई सारे लोगों के कमेंट आए थे कि सर हम एसी कौन सिरप यूज कर रहे हैं और हमारा इसके यूज करने से मोटापा बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, तो क्या इस सिरप का यूज करें या नहीं करें। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि एसी कौन वाइट कौन सिरप को आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं। एसी कौन और वाइट कौन सिरप की अगर बात की जाए तो इसका यूज सुबह शाम आपको 20-20 ml इस्तेमाल करनी होती है और इसका इस्तेमाल करते समय आपको परहेज पे विशेष ध्यान देना होता है। जैसे कि आज के प्रेजेंट टाइम में फास्ट फूड का सेवन बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो इससे आपको बचना है। फास्ट फूड में जैसे कि चाउमीन, मोमोस, बर्गर, गोभी, उड़द, पकौड़ी, समोसे, इन चीज़ों का आपका इस्तेमाल नहीं करना होता है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी बॉडी में पहुंचने के बाद तेलीय होती हैं और आपके लीवर को भी फैटी करती हैं और आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी बढ़ा देती हैं। और अगर बात की जाए कि एसी कौन वाइट कौन सिरप को इस्तेमाल करने की सही विधि क्या है, तो अगर एसी कौन और वाइट कौन सिरप यूज कर रही हैं आप, तो आपको होना चाहिए कि सुबह शाम 20-20 ml यूज करें और इसके ऊपर से एक गिलास गर्म पानी का सेवन करें। अगर आपने एसी कौन वाइट कौन सिरप यूज की और आपको लग रहा है कि आपका वेट बढ़ रहा है, तब आप इसके इस्तेमाल करने के बाद में एक गिलास गुनगुना पानी अवश्य पिएं और उसके साथ साथ आपको मॉर्निंग में एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। एक्सरसाइज आपको स्वास्थ्य को भी ठीक रखती है और आपके शरीर में तरह तरह की हार्मोन्स डिसबैलेंस की बीमारियों से भी सहायक करती है, तो एक्सरसाइज पे आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आपने एसी कौन वाइट कौन सिरप यूज की और उसके बाद भी गुनगुना पानी भी यूज किया फिर भी आपका अगर वेट बढ़ रहा है, तो अब आपको क्या करना है, एक गिलास मॉर्निंग में गर्म पानी करके उसमें आधा नींबू का रस निचोड़ लें, यानी कि आधा नींबू आपको काट के उसमें निचोड़ लें और उस पानी का सेवन सुबह में नहार मुँह इस्तेमाल करें, यानी कि सुबह में जब आप सो के उठें कुल्ली गरारा करने के बाद में एक गिलास गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ के उसको पिए और उसके बाद आप एक्सरसाइज करें तो आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आज की वीडियो में आप समझ गए होंगे कि एसी कौन वाइट कौन सिरप कैसे यूज करनी है। और अगर बात की जाए कि कुछ लोग कह रहे थे कि सर एसी कौन वाइट कौन सिरप का क्या साइड इफ़ेक्ट है, तो एसी कौन वाइट कौन सिरप एक आयुर्वेदिक सिरप है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता क्योंकि ये उज्ज्वल आयुर्वेदिक फार्मा द्वारा बनाई गई है और ये 20 ml तो 200 ml की आपको मार्केट में मिल जाती है। तो एसी कौन वाइट कौन सिरप का एक ये भी कन्फ्यूजन था कि बाजार में कि दोनों यूज करने से PCOD PID ठीक होता है, तो अगर आप वाइट कॉर्न और एसी कॉर्न दोनों सिरप यूज करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि एसी कॉर्न सिरप आपके शरीर में इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, आपके शरीर में वीकनेस, कमज़ोरी, चक्कर आने जैसी शिकायत को भी ठीक करता है। और वाइट कॉर्न की अगर बात की जाए तो ये महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, लिकोरिया, सफ़ेद पर्दा,
महामारी का टाइम पे नहीं आना और महामारी का आगे पीछे हो जाना, तो उसको भी बैलेंस करता है। तो इसीलिए अगर आप कम्बिनेशन में यूज करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो एसीकॉर्न और वाइट कॉर्न सिरप दोनों आप इस्तेमाल करें कि जिससे अच्छा रिजल्ट मिले। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगली नई टॉपिक पे, जब तक के लिए थैंक्स यू सो मच।